फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस बनाएंगे। कोम की हेल्प से हम ये बनाने वाले हैं। रेड एंड वाइट कलर की मैंने यहाँ पे वूल ली है, आप अपने चॉइस के कलर्स लें। और यहाँ पे देखिए, सिर्फ मैं कोम की हेल्प से इसको बनाने वाली हूँ, तो ये एकदम ईजी है बनाना। देखिए इस तरीके से एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से करते हुए हमने इन फंदों को डालना है। और यहाँ पे पहले मैं स्लीव्स का पोर्शन आपको बना के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने टोटल 9 फंदे लिए हैं। ये जो मैं साइज़ बनाऊँगी, ये 2 से 4 नंबर की कान्हा जी को ठीक आ जाएगा। तो अगर आप छोटा साइज़ बनाना चाहें तो फंदों को थोड़ा कम कर लें, और बड़े साइज़ के लिए आपको फंदों को बढ़ाना है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हमने पहले मैं वाइट की लेयर बना रही हूँ, तो एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे करते हुए, और फिर हम इस तरीके से रिटर्न जाएंगे और इस तरीके से अपनी लाइंस को बनाएंगे। तो एकदम क्विक एंड इजी मेथड है ये वुलन ड्रेस बनाने का। आप किसी भी साइज़ की कान्हा जी के लिए बना सकते हैं, और बहुत इजी एंड क्विक ये बन जाती है। कोई भी चॉइस के कलर्स लें, चाहे तो सिंगल लेके भी बना सकते हैं सिंगल कलर में। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, पहले मैंने यहाँ पे वाइट की लेयर्स बना दी हैं। तो देखिए, अप्रॉक्स 6-7 लेयर्स मैं यहाँ पे वाइट की बनाऊँगी। पीछे ले जाके फिर नॉट लगा दूँगी जब मेरी लेयर्स कंप्लीट हो गई। तो स्टार्टिंग में हमने जो वूल छोड़ी थी, और एंड वाली वूल को लेके हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे इस तरीके से। और अब मैं अपनी रेड कलर की लेयर्स बनाऊँगी, तो अगेन थोड़ा सा छोड़ दूँगी पोर्शन स्टार्टिंग में, और एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे करते हुए अपनी रेड की भी मैं लेयर्स बनाऊंगी। तो देखिए, ये हम ऊपर स्लीव्स का पोर्शन बना रहे हैं अपनी ड्रेस का। तो इस तरीके से देखिए, अपनी रेड की लेयर्स भी बना लें। अगर आपको थोड़ी लंबी स्लीव्स बनानी है बड़े साइज की कान्हा जी के लिए, तो आप यहाँ पे फंदों को बढ़ा के बनाएं। तो देखिए, मेरी लेयर बन गई। अब मैं वापस से बैक साइड में लेके जाऊंगी और नॉट लगा लूंगी। एक्सेस वूल को मैं कट कर दूंगी। तो स्लीव्स हमारी पैटर्न बन गया है, अब हम इसको करेंगे स्टिच। तो इस तरीके से नीडल में डबल करके मैंने वूल ली है, ऊपर से नीचे नीडल को डाला, फिर नीचे से ऊपर डालना है। सब फंदों को लेते हुए हमने डालना है यहाँ पे, और इसी तरीके से सारी लेयर्स को मैं अपनी नीडल में ले लूंगी और इस पैटर्न को स्टिच कर दूंगी। तो देखिए, एकदम इजी है, क्विक है, और बहुत ही आसानी से हमारी जो ये ड्रेस है वो बन जाती है। आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखें। तो इस तरीके से देखिए, हमने अपने इस पैटर्न को स्टिच कर देना है कोम से, अप से डाउन, डाउन से अप करते हुए सब फंदों को नीडल में हमने ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया, अब मैं इसको कोम से निकालूंगी। तो एकदम आसानी से निकल आता है ये, इस तरीके से निकाल लीजिए। और फिर मैं यहाँ पे नॉट बनाऊंगी और अपनी वूल को कट कर दूंगी। नॉट लगा ली मैंने और अपनी नीडल को कट कर दिया। तो देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पे 2 स्लीव्स को बनाना है। तो एक मैंने ऑलरेडी बनाई है, इस तरीके से 2 स्लीव्स जो है वो मेरी रेडी हैं। और अब मैं ड्रेस का नीचे का पार्ट बनाऊंगी। तो यहाँ पे अगेन इसी तरीके से मैंने फंदों को डालना है। अब की बार हमको लॉन्ग चाहिए, तो मैं अपने कोम में जितने भी फंदे डाल सकते हैं सारे फंदे डालते हुए बनाऊंगी। तो इस तरीके से हमने, क्योंकि हमको थोड़ा बड़ा पैटर्न चाहिए, तो हमारी जो घेर है वो ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इस तरीके से एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे करते हुए हम फंदों को डालते जाएंगे, और जितना लॉन्ग हमारा नीचे का रहेगा उतना हम उसको जब स्टिच करेंगे तो घेर जो बनेगा वो अच्छा लगेगा, ज़्यादा बनेगा। तो इस तरीके से, इसीलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा फंदे लेके बना रही हूँ। थोड़ा सा कम करके भी बना सकते हैं, तो उसमें घेर जो है वो थोड़ा कम आएगा। सिर्फ इतना ही डिफरेंस रहेगा, ड्रेस आपकी तभी भी बन जाएगी और अच्छी भी लगेगी, बस घेर जो है वो थोड़ा सा कम रहेगा। तो अगेन इस तरीके से करते जाएं। तो यहाँ पे देखिए, पहले मैंने बेस जो है वो मैंने वाइट कलर का लिया है अपनी ड्रेस का, और रेड कलर का मैंने बॉर्डर बनाया है। तो इस तरीके से आप चाहे तो इस तरीके से बना सकते हैं, चाहे तो अपोजिट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए मैंने अप्रॉक्स 10 लाइंस जो है वो बना ली है, और फिर बैक साइड में ले जाके नॉट लगानी है। तो जो स्टार्टिंग में वूल छोड़ी थी और जो एंड की वूल है, दोनों को लेके नॉट लगा लें। एक्सेस जो हमारी वूल है उसको कट कर दें। तो ये वाइट का पैटर्न रेडी है। अब हम अपना बॉर्डर बनाएंगे जो मैं रेड से बना रही हूँ। तो अगेन यहाँ पे अपने चॉइस के कलर्स आप ले सकते हैं, लेकिन वाइट एंड रेड का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से अगेन सेम तरीके से ही हमने अपने फंदों को डालते जाना है, ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे करते हुए इस पैटर्न को बनाना है। और इस तरीके से आप इसको बनाते जाएं। यहाँ पे आपके जितने लाइंस आ सकती हैं कोम में उतनी ही आप ले, उससे ज़्यादा ना ले, फंदे निकल जाएंगे तो आपका पूरा पैटर्न ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी कंफर्टेबली आपके कोम में आ जाएंगे उतनी लाइंस आप बना लें। तो अप्रॉक्स 10 लाइंस मैंने बनाई है वाइट की, और 5 मैं बनाऊंगी रेड की। थोड़ी कम ज़्यादा आप अपने कोम के साइज़ के हिसाब से कर सकते हैं। फिर बैक साइड में ले जाके अगेन मैं नॉट लगा दूंगी और अपनी वूल को कट कर दूंगी। तो अगेन यहाँ पे पैटर्न एकदम रेडी है, और अब हम इसको स्टिच करेंगे। सेम ही तरीके से स्टिच करेंगे जैसे हमने स्लीव्स को स्टिच किया था, अप से डाउन डालेंगे और फिर डाउन से अप। तो इस तरीके से देखिए नॉट मैंने लगाई है स्टार्टिंग में, डबल करके वूल ली है, और इस तरीके से हमें इसे स्टिच करते जाना है। यहाँ पे आप लॉन्ग नीडल यूज़ करें तो थोड़ा ईजी रहेगा आपके लिए। हमको ये ध्यान रखना है कि सारे जो फंदे हैं वो हमारी नीडल में आने चाहिए, कोई भी फंदा नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो पैटर्न ख़राब हो जाएगा। इस तरीके से लॉन्ग नीडल लेंगे तो ईजी रहेगा सबको फंदों को एक ही बारी में निकालना, और एकदम ईजी है। अगर आपको कुछ नेटिंग स्टिचिंग वगैरह नहीं आती है तभी भी हम इस कोम की हेल्प से बिल्कुल बेसिक तरीके से अपनी कान्हाजी के लिए वुलन ड्रेस बना सकते हैं। और इसी मेथड को फॉलो करते हुए मैं अपनी सारी लाइंस को स्टिच कर लूँगी। एकदम बेसिक है, बेसिक मेथड है, कोई भी इसको बना सकता है। आप इसको ट्राई ज़रूर करके देखें, क्योंकि ये बिल्कुल एज इट इज़ बनती है और बहुत ही सुंदर लगती है। किसी भी साइज़ की हम ड्रेस बना सकते हैं इस मेथड से। और देखिए बस हमने अपनी नीडल को में सारे फंदों को लेना है। इस बात का ध्यान रखना है कि हमने सारे फंदों को लेते हुए अपनी नीडल को में इंक्लूड करना है, कोई भी फंदा छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट जाएगा तो हमारा पैटर्न जो है वो ख़राब हो सकता है। तो देखिए इस तरीके से मेरा पूरा पैटर्न स्टिच होने वाला है। और यहाँ पे जिस तरीके से मैंने ये पैटर्न बनाया है, इसी तरीके से एक और पैटर्न हमको बनाना है। तो जैसे हमने स्लीव्स के दो पोर्शन लिए थे, इसी तरीके से हम ये लोअर के भी दो पोर्शन लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हो गया मेरा पैटर्न स्टिच। अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो देखिए स्टिच होने के बाद ईजिली ये निकल आता है, आराम से इसको आप निकालें। और फिर मैं अगेन यहाँ पे नॉट लगा के अपनी एक्सेस वूल और नीडल को कट कर लूँगी। तो देखिए ये हमारा पैटर्न रेडी है। एक और मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, और यहाँ पे दो स्लीव्स भी हमारी रेडी है। तो हमारे ड्रेस के जो पार्ट्स हैं सब पार्ट्स हमारे रेडी हैं। अब हम इनको स्टिच करेंगे। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा बेस है इसके दोनों पार्ट को आपस में अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमने इनको साथ में जोड़ना है और इस तरीके से स्टिच कर देना है। बैक साइड में जाके नॉट लगाएंगे और एक्सेस वूल को कट कर देंगे। तो ये हमने जोड़ लिया पैटर्न। अब अगेन हम इसको स्टिच करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने बॉर्डर के अपोजिट साइड, मतलब रेड कलर का हमारा बॉर्डर है तो हमको वहाँ से नहीं करना है, दूसरे साइड से हमने यहाँ पे जिगजैग वे में
जैसे रनिंग स्टिच लगाते हैं अपनी अपने वूल की हेल्प से इसको स्टिच करते जाना है। तो इस तरीके से ये जो पैटर्न है वो इस तरीके से बनेगा और हम उसको जब खींचेंगे अपनी वूल को तो इस तरीके से हमारा बेस रेडी हो जाएगा। यहाँ पे हम नॉट लगा के अगेन अपनी वूल को कट कर लेंगे। और देखिए मैं आपको वो बता ही रही थी, इससे घेर हमारा बहुत अच्छा आता है क्योंकि हमने दो पैटर्न को आपस में स्टिच करके बनाया है। और अब हम क्या करेंगे, अपनी स्लीव्स पोर्शन को स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से फ्रंट में जहाँ हमारा ओपन पोर्शन है वहाँ पे एक स्लीव को लगाएंगे, अच्छे से स्टिच कर देंगे। बैक साइड में जाके नॉट लगाएंगे, अगेन अपनी एक्सेस वूल को कट कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारी आगे से अटैच हो गई। और अब हम जो बैक पोर्शन है उसको इस तरीके से पीछे से अटैच करेंगे। तो फिर से हम अंदर की साइड से अपनी नीडल को लेके जाएंगे ताकि सारी नॉट्स जो हैं वो हमारी बैक साइड में रहें, फ्रंट साइड हमारी क्लीन रहे। और सेम ही कलर की वूल यूज़ करें, जैसे मैंने यहाँ पे बेस कलर वाइट लिया है तो वाइट ही कलर की मैं वूल यूज़ करूँगी स्टिच करने के लिए भी। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी स्लीव जो है वो स्टिच हो गई है और दूसरी स्लीव्स को भी इसी तरीके से स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है बॉर्डर पोर्शन जो है वो अपोजिट साइड में होना चाहिए, पहले ओपन वाली साइड में स्टिच करेंगे। बैक साइड में ही नॉट लगाएंगे सारी। और इस तरीके से ये हमारी एक स्लीव एक साइड से अटैच हुई और फ्रंट में भी इसको इसी तरीके से अटैच कर देंगे। तो देखिए कितनी सुंदर हमारी ड्रेस बनी है। और कोई भी नहीं बता पाएगा कि ये हमने कोम की हेल्प से बनाई है, ना हमने कुछ सिलाई यूज़ की है ना क्रोशे यूज़ किया है, हमने सिर्फ कोम की हेल्प से इसको बनाया है। तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी, और बहुत ही सुंदर ये बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कैसी लगी। और इसी तरीके से मेरे चैनल को देखते रहें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुआ किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।